हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूं। आज हम बनाएंगे ब्रेड और बेसन से एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आप इसको बना के सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर बच्चों के स्कूल का टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप बस इसमें लगने वाले सारे सामान बना के रेडी रखिए, ये एकदम 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। दोस्तों, आज का ये रेसिपी को मैं कैसे बनाऊँगा ये जानने के लिए आप वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की ये न्यू रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा बेसन। ये देखिए, हमने बेसन ले लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। चलिए, अब हम इसमें पानी डाल के इसको मिला लेते हैं। याद रखें, आप इसमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको मिलाते रहें, क्योंकि हमें ये घोल को थोड़ा मोटा बनाना है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसमें पानी डालिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरह से मिला के इसका एक बढ़िया ऐसा घोल बना के रेडी कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये अभी भी थोड़ा टाइट लग रहा है। अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा घोल बन के रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं, ये देखिए, यह टमाटर, इसको हमने छोटा छोटा करके काट लिया है और इसका बीज को भी हमने निकाल लिया है। ये है दो प्याज, इसको भी हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। थोड़ा सा शिमला मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता और दो हरी मिर्ची, सबको हमने छोटा छोटा करके काट लिया है। अभी हम सारा हरी सब्जी को एक एक करके बेसन का घोल में डालते जाएंगे। ये हमने डाल दिया प्याज, इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। चलिए, अब हम इसमें डालते हैं शिमला मिर्चा, थोड़ा सा हरी मिर्ची, आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, और लास्ट में ऐड करेंगे धनिया का पत्ता। चलिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपको अगर ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो बनाया है ये एकदम सही है, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये बन के अब अच्छी तरह से रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 4 ब्रेड लिया है। अभी हम एक एक करके ब्रेड को फ्राई करेंगे। और हमारा तवा गर्म हो गया है, अभी हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। चलिए, अब हम सबसे पहले एक ब्रेड लेते हैं। अब ब्रेड को अच्छी तरह से जो हमने घोल बना के रेडी किया था उसमें डिप कर देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपको इसमें डिप कर देना है, जैसे कि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से लग जाए। अब ब्रेड को लेके सीधा तावे के ऊपर रख देंगे और जब ये अच्छी तरह से एक साइड से सिक जाएगा इसको हम पलट देंगे, और जब इसका बैक साइड भी अच्छी तरह से सिक जाएगा इसको भी पलट देंगे और दूसरा साइड को भी सेक लेंगे। और इसी तरह हमें सेम प्रोसीजर में उलट पुलट करके इसको दोनों साइड से सेक लेना है। आप जब भी इसको तावे में सेकें, गैस को मीडियम फ्लो पर रख के सेकें, नहीं तो ब्रेड नीचे से जल जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और सेम प्रोसीजर में हमें एक एक करके सारे ब्रेड को तावे में सेक लेना है। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से सिक गया है। चलिए, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। चलिए, अब हम फिर से तावे पे तेल लगा लेते हैं। अब ब्रेड को लेके बेसन में डिप कर लेते हैं और उसके बाद इसको लेके तावे के ऊपर रख देते हैं और इसको भी उलट पुलट करके दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक साइड से सिक गया है। अब दूसरा साइड से सेक लेते हैं। ये देखिए, इसमें भी बहुत अच्छा कलर आया है और ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको भी एक दो बार उलट पुलट करके सेक लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये भी अच्छी तरह से सिक गया है। चलिए, अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हमें सारा ब्रेड को सेक लेना है। ये देखिए, हमने 3 ब्रेड को सेक लिया है। अभी हम इसके साथ खाने में लेंगे चटनी। आप चाहे तो इसको टमाटो सॉस में भी खा सकते हैं या फिर कोई अपना मनपसंद चटनी के साथ इसको ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। चलिए, मैं आपको चेक करा के भी दिखा देता हूँ इसका अंदर से कैसा बना है। ये देखिए, ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना टेस्टी है। दोस्तों, आज का ये मेरा ब्रेड और बेसन का रेसिपी आपको कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।